हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। इसके अंदर आपको चुनिंदा 3 से 4 मसाले लगेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बारबेक्यू के ऊपर इसे कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले जब हम वीडियो में बनाएं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपको इसकी मेकिंग, पूरा मैरिनेशन कैसे होगा, इसकी बाइंडिंग कैसे होगी, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा चिकन सीख कबाब बनाने के लिए सारा सामान तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये 500 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। मैंने इसे घर पे, मैं 500 ग्राम बोनलेस चिकन लाया था, उसको मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके ये बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। ठीक है, 500 ग्राम्स ये रहेगा। उसके साथ हमने ये 150 ग्राम प्याज को अच्छे से ग्राइंड करके पानी निकाल लिया है। आपको पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी प्याज में पानी हुआ तो आपके कबाब टूट जाएंगे। तो पहले 150 ग्राम प्याज को पहले ग्राइंड कीजिएगा, फिर उसमें से पानी निकाल लीजिएगा। फिर हमने ये 1/2 टेबल स्पून जो धनिया पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हमारा जीरा पाउडर, हमने ये इसके अंदर 10 जो हमारे लहसुन की कलियाँ थी वो डाली हैं, और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने, आपको कितना स्पाइसी चाहिए आप उस हिसाब से वो दोनों के दोनों मिक्स करके ग्राइंड कर सकते हैं। और इसके अंदर स्पेशल ये जो हम डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं बादाम। तो हमने 50 ग्राम बादाम लेके उसको अच्छी तरह पीस लिया है, तो उसका एकदम पाउडर जैसा बना लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया, ये 1/2 टेबल स्पून ये अपने स्वाद के अनुसार, 50 ग्राम और 150 ग्राम और 500 ग्राम, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं जैसे आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। तो चलिए अब इसे मिक्स करते हैं। तो अब हम अपने इस चिकन को एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको अपने हैंड वॉश ज़रूर करने हैं, क्योंकि हाइजीन सबसे पहले है। अब हमें वो प्याज डालनी है इसके अंदर जिसका हमने पानी निकाल लिया था। आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद हमारा ये जीरा पाउडर, फिर ये धनिया पाउडर, उसके बाद ये हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने पीस के बना लिया था मिक्सर वो। अब देखिए हमारी हरी मिर्च रह गई है, कोई नहीं, मैं इसे बाद में पीस के डाल दूँगा। उसके बाद ये बादाम का पाउडर जो हमने तैयार किया था, ये हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें, आप देख रहे होंगे, मैंने नमक नहीं डाला है, नमक हम इसमें लास्ट में डालेंगे। देखिए इसे अच्छे से हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको गूंद लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। अब नमक इसमें कितना डालना है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा, पहले 1 टेबलस्पून ले लीजिएगा, उसके बाद हल्का सा ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार, क्योंकि 1 टेबल स्पून तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, इसे अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम लोग। ये देखिए कितने बढ़िया एकदम बन चुका है ये। ठीक है, हाथ पे चिपकने भी लगा है हल्का हल्का। अब देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसे क्रीमी करने के लिए, अब हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, इसके अंदर हम कम से कम 50 ग्राम अपनी क्रीम ऐड करेंगे। आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, मदर डेयरी या किसी भी कंपनी की, हम इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा ना, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनने वाले हैं, मतलब एकदम जो खाते हैं ना रेस्टोरेंट में जाके रेशमी चिकन कबाब, एकदम वैसे बनेंगे, बहुत सॉफ्ट, टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा इसका। ये देखिएगा अभी इसे दिखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, जब ये हमारे बारबेक्यू पे लगेंगे तो कितने बढ़िया होने वाले हैं। ये थोड़ा स्टिकी काम है, तो इसलिए अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। ये देखिए अब ऐसे ही हम इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही गूंदता रहूँगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, अब हम इसे थोड़ी देर रखेंगे और आपको मिलते हैं सीधा अपने बारबेक्यू पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अब टाइम आ गया है इसे बारबेक्यू करने का। हमारी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ये देखिए कीमा की हमारी ये तैयार हो गई है सीख कबाब के लिए। बट देखिए जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी स्टिकी है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अपने पास रखना है हमेशा एक पानी। ठीक है, हल्का सा गुनगुना पानी रखिएगा, उसमें अपने हाथ हमेशा भिगो के रखते हैं। ये देखिए हमने हाथ भिगो लिए यहाँ पर। अब एक मुट्ठी भर के ये लेना है, अब जैसे मैंने ले लिया, और इसको ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में लाके सीख पे ऐसे आराम से रख के, बस अपने हाथों की मदद से इसको लंबा लंबा शेप आप बना दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया शेप बन रही है ना। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कबाब बनाने चलेंगे ऐसे तो नहीं बनेंगे, हमेशा पानी साथ में रखना है, हाथ भिगोना है और उसके साथ ऐसे करना है। अब देखिए जैसे आप अपने साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, कॉर्नर से थोड़ा ऐसे कीजिए और ये आपके कबाब
ऐसे रेडी हो गए हैं सिकने के लिए। देखिए कितने परफेक्टली हमारे को एकदम जैसे बाहर जैसे होते हैं वैसे, आप चाहे तो उस पर कोई भी डिजाइन वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारे ये सिक रहे हैं। देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा इसका ध्यान रखना है ना, ये देखिए इसको हर 10 से 20 सेकंड के बाद आपको घुमाते रहना है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है तो जलने में देर नहीं लगेगी, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। अब इसे हम पकने देते हैं, जैसे ही रेडी होते हैं मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कबाब तैयार हो गए हैं, अब हम इसे एक बार प्लेट पर निकाल लेंगे। अरे वाह देखिए यार कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं कबाब। एक मिनट मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए यार कितने क्रीमी कबाब लग रहे हैं, कसम से बता रहा हूँ मैं। मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे लग रहे हैं। मुंह में आके एकदम घुल चुके हैं, बहुत स्पाइसी। मैंने ग्रीन चिली जो डाली थी एकदम बढ़िया टेस्ट उसका आ रहा है, बहुत यम्मी है। आप यार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, गर्म भी बहुत है। अब आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरा निपटाने वाला हूँ, जब तक आप कुछ खा पी लो।